नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रोतिया। आप सभी का लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, यदि आप दिसंबर 2019 में आयोजित हो रहे यूजीसी नेट की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और विशेषकर आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, अप्लाई करने के बाद आपको हम आप यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि आप जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं दिसंबर 2019 में, तो हम आपको कुछ ऐसे बातें बता रहे हैं जिसको अमल करके आप क्लियर कर सकते हैं यूजीसी नेट और जेआरएफ। ध्यान दीजिएगा, यूजीसी नेट भी निकाल सकते हैं, साथ ही साथ जेआरएफ निकाल सकते हैं। आपको लगता होगा कि हमारे पास में अक्टूबर महीना है और नवंबर महीना में है, ये दो माह विशेषकर बचा हुआ है। ये इन दो माह में यानी कि 60-70 दिन में क्या संभव है कि हम नेट के साथ साथ जेआरएफ कर लेंगे? देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं, ये हाँ भी है और ना भी है। यदि कोई बच्चा ये सोच ले कि जी हाँ, मुझे 60 दिन और 70 दिन के अवधि में ही जेआरएफ क्लियर करना है, तो वो कर लेगा। और उन बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चों को लगता है कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए ये एक पहाड़ है और पहाड़ चढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, तो उन बच्चों के लिए 60-70 क्या 6-7 साल भी दे दोगे तो वो सफल नहीं होगा। 6-7 साल भी दे देंगे तो वो सफल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, वही बच्चे सफल होते हैं जो कुछ फार्मूला बनाते हैं, यानी कि एक दृढ़ संकल्प के साथ में कुछ बातों को ध्यान रखते हैं, वही बच्चे नेट और जेआरएफ क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा क्या करना है। इन 60-70 दिनों में क्या हकीकत में नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर हो जाएगा? यदि मैं अपना स्टोरी बताऊं ना, आपको आश्चर्य लगेगा। मैं भी यही सोचता था, मैं भी इसी क्रम में हुआ करता था, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं भी यही सोचता था कि ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में एक दृढ़ संकल्प आया और किसी एक व्यक्ति को चैलेंज कर दिया कि तू मुझे क्या समझ रखा है, क्या नेट जेआरएफ पहाड़ है? ये तो मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या मुझे ये नहीं पता था कि नेट क्लियर कर लेने के बाद में मेरी क्या उपयोगिता है नेट और जेआरएफ की, मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं जो है इसी श्रेणी में आता था। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने दृढ़ संकल्पित हो गया और कहा कि नहीं, मैं एक महीने में नेट क्लियर करके दिखाऊंगा, वो भी लॉ सब्जेक्ट में। और उस समय लोग कहा करते थे कि लॉ में नेट निकालना बहुत कठिन काम है, ये एक तो समझ में नहीं आता है और दूसरा चीज है बहुत कम बच्चे निकालते हैं। अरे भाई, निकालते तो हैं, कोई न कोई तो निकालता है, यदि वो निकाल सकता है तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, ये कैसे इम्पॉसिबल है? पॉसिबल है, यदि कोई निकाल रहा है तो आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको ऐसे उपाय बता रहे हैं, उस उपाय को करने के बाद आप जेआरएफ क्लियर कर लेंगे, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं। आप यदि इसको अमल करते हैं, वो भी सीरियसनेस होकर, लापरवाही पूर्वक यदि इसको आप अपनाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपका मेहनत हो जाएगा बेकार और आप नहीं निकल पाएंगे नेट और जेआरएफ। मैं जो उपाय बताया हूं, सैकड़ों छात्र सफल हुए हैं, आप भी सफल हो सकते हैं यदि इसका अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है जो आपको अमल करना है। यहां पर पहला पॉइंट है, समय को रखें ध्यान। जिनके पास समय है, समय कहते हैं ना दोस्तों, समय बलवान होता है, समय बलवान होता है और समय धनवान होता है, दोनों होता है दोस्तों, आप क्यों नहीं सोचते हो? यदि मान लीजिए मैं दो माह यानी कि 60 दिन
घोर परिश्रम करता हूं या करती हूं, और इन 60 दिन में मेरा लाइफ परिवर्तन हो जाता है। लाइफ परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि आज मैं जीरो था और कल मैं हीरो बन जाऊंगा। तो आपके लिए ये केवल 50 दिन में या 60 दिन में आपका 60 वर्ष 65 वर्ष आपका लाइफ को सेक्योर करता है, आपका लाइफ सेक्योर करता है। मेहनत कितना दिन? केवल 60 दिन। केवल 60 दिन के मेहनत आपको 60 65 साल तक सेक्योर करेगी, सिक्योरिटी प्रदान करेगी। केवल आपको नहीं, आपके परिवार को, आपके समाज को, इस देश को जो है, यदि वो सिक्योरिटी देता है तो मान के चलिए 60 दिन क्या होता है दोस्तों। कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि सर 60 दिन ठीक है हम देंगे, कैसे देंगे, क्या काम धाम छोड़ के? किसने कहा काम धाम छोड़ने के लिए? हम तो काम धाम छोड़ने की बात करते नहीं है। देखिए, आप मान लीजिए सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक भी मेहनत करते हैं, 12 घंटा काम करते हैं, तब भी आपके पास में भरपूर समय है। आपके पास में 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का है समय, 7 बजे से 12 बजे तक, यानी कि 5 घंटा प्रतिदिन। यदि 60 दिन में 5 घंटा जोड़ दीजिए दोस्तों, 300 घंटा। 300 घंटा छोटा मोटा चीज होता है, और आपको केवल कितना यूनिट करना है? 20 यूनिट करना है, 20 यूनिट। यहां पर 300 को 20 में भाग दे देते हैं, यानी कि 15 घंटा, यानी कि एक यूनिट को आपको 15 घंटा का समय मिल रहा है, 15 घंटा का समय। और 15 घंटा में तो दोस्तों रामायण पढ़ लेते हैं, 8 खंड रामायण पढ़ लेते हैं 15 घंटा में। तो यह आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, आज नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं सक्सेस होते तो जिंदगी भर सक्सेस नहीं होंगी। ये मूल मंत्र मैंने बनाया था, आज नहीं तो कभी नहीं, आज के बाद और कभी नहीं। यानी कि मैं करके रहूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं समय दूंगा। यहां पर देखिए, 1 यूनिट 15 घंटा। मैं 1 यूनिट क्यों कर रहा हूं? फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट है और सेकेंड यूनिट में 10 यूनिट है। टोटल कितना यूनिट है? 20 यूनिट है। और आपके पास में कितना घंटा था? 300 घंटा। इसका मतलब कितना घंटा मिल रहा है? 1 यूनिट को करने में 15 घंटा। और 15 घंटा बहुत समय होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। समय को रखे ध्यान, समय को जिनने पहचान लिया वो महान इंसान है दोस्तों। आइए दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, जो है सबसे बड़ा मूल मंत्र है सफलता की बेहतर नोट्स। हम बहुत गलत है दोस्तों, हम गलत सोचते हैं, गलत राह में चले जाते हैं। क्या गलत राह में चला गया भाई? दूसरे के नोट्स से हम जो है नेट और जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं है। एक मेरा दोस्त कहता है कि मैं उधारी लेकर जो है घर बनाऊंगा, उधारी लेकर घर बनाएगा, ये कैसा पॉसिबल है भाई? ये पॉसिबल नहीं है, ये फायदेमंद नहीं होगा, ये घाटा का सौदा होगा। और यदि आप दूसरे के नोट्स से यदि ये कल्पना करते हैं कि मैं यूजीसी नेट और जेआरएफ क्लियर कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने स्वयं पर भरोसा रखें, नोट्स खुद स्वयं बनाएं, तभी जाकर आप नेट और जेआरएफ क्लियर कर पाएंगे। यानी कि आप बुक लें, बुक को पढ़ें, पहले पढ़ें, फिर उसके बाद में समझें, और फिर आपको अपने शब्दों में उसको लिखें। यही है नोट्स, यानी कि पहले पढ़ें, फिर समझें, और फिर उसको शब्दों में आकार दें या लिखें। इसी को नोट्स कहा जाता है दोस्तों। और नोट्स अपनों का अलग अलग होता है, दूसरे की सोच अलग होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको पढ़ते जाना है, आपको समझते जाना है,
और उसको अपने शब्दों में उतार देना है। यदि आप कोई बोली जानते हो तो बोली में भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखना हिंदी में लिखना, आप अपने बोली में लिख सकते हो, ठीक है, बोली में लिख सकते हो, जिसमें सुविधा जाता है उसमें लिख डालिए। और जैसे किसी का नाम है, किसी का प्रमुख स्थल है, उसको आपको नोट्स में उतार लेना है। देखना है कि पुराने क्वेश्चन पेपर अभी क्या क्वेश्चन पेपर पूछ सकता है, इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए आपको नोट्स में सब चीजों को उतार देना है। और बहुत ही शॉर्ट नोट होना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट नोट, यानी कि छोटा छोटा होना चाहिए। भारत के राजधानी, राजधानी राजधानी है ये आपका, तो यहां पर भारत के राजधानी नई दिल्ली लिख दीजिए, नई दिल्ली, यहां पर नई दिल्ली लिख दीजिए, भारत की राजधानी भैया, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ए दिल्ली जो है, दिल्ली नहीं है इसका आंसर, दिल्ली आएगा तो ऑप्शन नहीं दूंगा, नई दिल्ली आएगा तो नई दिल्ली दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में राजधानी, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन नहीं है, वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन हम बोलते हैं, वाशिंगटन डीसी बोलते हैं, ये नई दिल्ली है, दिल्ली नहीं है, नई दिल्ली है। इसी प्रकार से आप अपना नोट्स बनाए, बेहतर से बेहतर नोट्स बनाए। ये दूसरा मूल मंत्र है, जो अपना खुद स्वयं का नोट्स बनाता है वो व्यक्ति नेट और जेआरए दोनों क्लियर करता है, ये देखा हुआ मेरा अनुभव है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि नोट्स बनाना बेहतर है, जरूरी है, आप अपना खुद का नोट्स बनाएं। देखिए तीसरा काम क्या करना है, पुराने प्रश्न पत्र को ध्यान से समझें, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यार, क्यों यू क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन को पूछने के पीछे कारण क्या हो सकता है, यही प्रश्न आया क्यों, और किस तरह का प्रश्न आ रहा है, कैसा प्रश्न आ रहा है, और अब कौन सा प्रश्न आना है। यदि इसका आप चिंतन करते हैं, पुराने प्रश्न पत्र आपको मिल गया है और आप पुराने प्रश्न पत्र को समझ जाते हैं कि ये प्रश्न कहां से पूछा है भाई, ये प्रश्न का उत्तर किस पुस्तक में दिया हुआ है, क्या ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्या ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में सभी लोग की जानकारी होनी चाहिए, इस तरह का प्रश्न है, यानी कि बहुत ही फेमस है, या फिर तीसरा जो है जो कोई नहीं जानता वही प्रश्न दे दिया है। तीन तरह के प्रश्न होते हैं, तीनों तरह के प्रश्न को जो है आप पुराने क्वेश्चन पेपर से मिलान कीजिए और उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए, और ये आप एक भविष्यवाणी कीजिए कि इस बार क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, किस टॉपिक से प्रश्न आ सकता है, ये प्रश्न आता ही है, ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं है, ये प्रश्न आने की संभावना है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, पहला पेपर भी और दूसरा पेपर भी। इसलिए मैं कहता हूं कि फर्स्ट पेपर को भी देखिए और सेकेंड पेपर को भी जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर के हिसाब से इसका मिलान कीजिए, आपको सफलता मिलेगा ही। आपको मैं बता रहा हूं, धैर्य रखें और शांति मन से अध्ययन करें, तभी जाकर आपका जो है सफलता मिलेगा दोस्तों। अब धैर्य रखें तो रखें कैसे, शांति मन से कैसे अध्ययन करें। देखिए एक प्रश्न पूछ रहा है, ये प्रश्न क्यों पूछा है भाई, आप जरा सा देखिए, यदि जरा सा आप देखेंगे तो आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। ये क्वेश्चन को देखिए, धैर्य कैसे रखना है, किस देश का शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप और प्रकृति केंद्रीकृत है और विकेंद्रीकृत है, दोनों रूप में है, केंद्रीकृत भी है शैक्षणिक प्रशासन, प्रशासन की बात कर रहा है, शैक्षणिक प्रशासन की बात कर रहा है, उसका स्वरूप और प्रकृति, स्वरूप और प्रकृति किस तरह का होता है, केंद्रीकृत होता है विकेंद्रीकृत होता है, तो आपको यहां पर ध्यान देना है। केंद्रीकृत का मतलब क्या होता है, केंद्रीकृत का मतलब होता है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पर आश्रित होना, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पर आश्रित होना, और विकेंद्रीकृत का मतलब होता है, विकेंद्रीकृत का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन जिसको कहते हो, यानी कि शक्तियों को जो है विभाजित करना, ये सेंट्रलाइज है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ
यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था को जो है अलग दे दिया है, यानी कि इनको इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है और दूसरा चीज कहता है कि कुछ अधिकार जो है राज्य प्रशासन को दे दिया है, स्थानीय सरकार को दे दिया है, ये दिया है अपने पावर को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो ऐसा कोई देश है, उस देश का नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन है, ब्रिटेन, फ्रांस नहीं है दोस्तों। अभी तो ये राजशाही शासन चलता है, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है दोस्तों, भारत भी नहीं है। इसका मतलब है शैक्षणिक प्रशासन का स्वरूप और प्रकृति केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों रूप में है। क्यों ये प्रश्न पूछा है भाई? धैर्य से सोचे, शांति मन से जो है विचार करें कि ये प्रश्न ही क्यों पूछा है, यही प्रश्न क्यों पूछा। अब हो सकता है कि शैक्षणिक प्रशासन का स्वरूप और प्रकृति आप यहां पर यूके का जान लिए, फ्रांस का जानिए कैसा होता है, ठीक है, भारत का जानिए कैसा होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जानिए, ऑस्ट्रेलिया का जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें स्वरूप और प्रकृति पूछा है, उसकी भाव को देखते जाएंगे। स्वरूप और प्रकृति बस केवल होता है क्या शैक्षणिक प्रशासन का? शैक्षणिक प्रशासन से संबंधित पूरे वर्ल्ड की क्वेश्चन देख लीजिए तो आपसे बन जाएगा दोस्तों। इसी तरह से अध्ययन करेंगे तो मुझे पूरा 100% ये गारंटी देता हूं कि आपको सफलता मिलेगा ही। एक बार जरूर इसको चिंतन करें, मनन करें और अध्ययन करें, देखना दिसंबर 2019 में आपको सफलता मिलेगा ही। थैंक यू।